हाय गाइस, सजमा किचन में आपको स्वागत है। आज सजमा किचन में राजस्थानी फेमस डिश घेवर बना के बता रहे हैं। तो जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चास्की बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बोना कप इतनी शक्कर ली है और इसमें आधा कप पानी डालेंगे। चास्की हमको एक तार की बनाना है बस, और उसके बाद में हम इसको रबड़ी बनाएंगे। तो इसमें दो इलायची कूट के डाल देंगे, शक्कर को अच्छे से मेल्ट करेंगे और बस एक चाशनी की बनाएंगे। जब तक हमारी इधर चाशनी हो रही है, जब तक हम रबड़ी के लिए दूध देख लेते हैं। तो देखिए, हमने आधा लीटर दूध डाला है और इसको उबलते उबलते 10 मिनट हो गए हैं। तो इसमें हमें इतना 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे ताकि रबड़ी हमारी अच्छे से थोड़ी थिक बने, क्योंकि घेवर में थिक रहेगी तो ही रबड़ी अच्छी लगेगी, नहीं तो वो नीचे तक जालियों में उतर जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे तो चाशनी रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम रबड़ी बनाएंगे थिक होने तक। देखिए, चाशनी हमारी बन गई है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए, चाशनी हमारी एक तार की बन गई है। अब इसको बॉल में निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, हमारी रबड़ी थोड़ा थिक हो रही है। दूध पाउडर हमने इसलिए डाला कि दूध आज बहुत पतला आता है, तो उससे दूध पाउडर डालने से थोड़ा सा हमारी रबड़ी थिक हो जाएगी। तो मीठे के हिसाब से हम शक्कर डाल देते हैं और इसमें जो इलायची कूटी है एक चम्मच इलायची डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स होने देते हैं। इसको लो फ्लेम पर अच्छे से रबड़ी को थिक होने देते हैं, जब तक हम घेवर का बैटर बना लेते हैं। देखिए गाइस, हमने बोला था ना कि आपको 2 चम्मच घी से बनाएंगे, तो सिर्फ ये 2 चम्मच घी है, तो ये शुद्ध घी है। तो ये 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे और कुछ बर्फ की क्यूब्स डालेंगे इसमें, क्योंकि घेवर का बैटर जो बनता है वो ठंडे, जितना ठंडा रहेगा उतना ही घेवर अच्छे से जालीदार बनेगा। तो हम मिक्सी में ये पीसते हैं। देखिए गाइस, ये जो हमने घी और जो बर्फ के क्यूब्स थे उसको पीस लिए, तो पूरा अच्छे से जम गया ये। अब हम इसमें थोड़ा मैदा डालेंगे। हमने 1/4 कप शक्कर लिया है, तो 1/4 कप ही हमने मैदा लिया है। ये डालेंगे आधा, और आधा कप दूध डालेंगे और इसको फिर से पीस के लाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ दूध नहीं डालेंगे ना एक साथ हम मैदा डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे से पीस लिया और ये अच्छा सा स्मूथ हो चुका है। अब इसको पीसने की जरूरत नहीं थी, और हमारे को जो थिकनेस चाहिए थी वो थिक भी बस इतना ही बहुत है। अब बेट इसको हम बोतल में भरते हैं। इस देखिए, ठंडा पानी है, बर्फ़ इसमें हमने जमा लिए थे, इसमें हम कटोरा रखेंगे और इसमें जो हमारा बैटर है वो निकालेंगे, क्योंकि बैटर एकदम ठंडा चाहिए घेवर बनते बनते। तो ये इसमें निकाल के रखेंगे जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा। ये घेवर को फ्राई करने के लिए हमें ऐसी उंडी तपेली चाहिए ताकि हमारा साइज एकदम छोटा बने और उसको आसानी से निकाल लें। हम कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई का पेंदा बड़ा होता है तो उसका घेवर हमारा बड़ा बनेगा। जब हमें बड़ा बनाना हो तो हम कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ परफेक्ट है तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसमें डालेंगे तेल। देखिए, हम ये बाटल में घेवर का बैटर भरेंगे और इससे ही बनाएंगे। तो ये बाटल ही हो तो धीरे धीरे करके इसको भर लेते हैं हम। देखिए, हमने इसमें तेल डाला है। तेल हमारा 8 इंच इतना तेल भरना है और हाई फ्लेम रखना है, और हमने बोतल में बैटर भरा है। अब इस तरीके से हम इसमें डालते रहेंगे और दूर हट के डालना है, नहीं तो छींटे भी उड़ सकते हैं आपको। हमको यहाँ होल कर करके बैटर, जहाँ बेटर नहीं दिखेगा वहीं डालना है, इस तरीके से। बस अब इसको पकने देंगे अच्छे से। देखिए, हमारी रबड़ी बन गई है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए गाइस, हमारा लाल हो रहा है ये घेवर, तो इसको साइड से चक्कू से छुड़वाएंगे हम और इसको गोल्डन होने के बाद निकालेंगे। देखिए गाइस, हमारा घेवर पूरा अच्छे से सिक गया और हम इस चलनी पे रखेंगे इसको। ये देखिए, बीच में हमारा होल भी है। तो इसी तरह के हम बनाते हैं सारे घेवर, फिर आपको बताते हैं। देखिए, हमने घेवर बना लिया है। अब इसमें हम पहले चाशनी डालेंगे
और उसके बाद में हम रबड़ी डालेंगे। तो चाशनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब रबड़ी डालेंगे। देखिए रबड़ी डालने के बाद में हम सब इक्वल जैसा एक जैसा पूरा कर लेंगे और पिस्ते से फिर इसको गार्निश कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम काजू, हमने पिस्ते से गार्निश किया है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए हमारा घेवर। देखिए हमारा घेवर बनके तैयार हो गया है। अब इस तरीके से आप भी बनाइए और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारे घेवर की रेसिपी कैसी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।